मतलब गोल्ड, गोल्ड के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, जितना परफेक्ट मतलब जितना सेंटर में जाता उतना अच्छा क्या होता है अपना स्कोर होता है। अब वही अपने को दिया और कहा है कि पहले गोल्ड वाले का रीजन निकालना है, फिर रेड वाले का। पहले अपन देखते किसका डायग्राम, डायग्राम अपने को दे रहा है किसको सॉल्व कैसे। देखो फर्स्ट वाला ये क्या है अपना गोल्ड, कैसा है अपना गोल्ड, ठीक है। सेंटर सबका एक ही है, सेंटर किसी का अलग अलग नहीं होता। गोल्ड के बाद क्या अपना रेड, ये क्या अपना ये वाला रेड, इसके बाद में फिर कौन सा अपना ब्लू, ये क्या अपना ब्लू, ब्लू के बाद में क्या है ब्लैक, ये कौन सा अपना ब्लैक, और ब्लैक के बाद में लास्ट में कौन सा था आपका व्हाइट, ठीक है। अब देखो इधर ये पूरा रीजन कैसा है गोल्ड, ठीक है। आप बोल रहे कि पहले तुमको सिर्फ गोल्ड वाले का रीजन निकालना है। फर्स्ट बोल रहे कि जो गोल्ड वाले का डायमीटर वो कितना है 21 सेंटीमीटर, क्या है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या आएगा 21/2, 21/2 मतलब 10.5। आप बोल रहे कि हर एक जो पट्टी है, हर एक जो रीजन है जो सेकंड वाला वो उससे क्या है 10.5 मीटर वाइड है। जैसे देखो सुनो, अब ये क्या है गोल्ड, गोल्ड वाले से अगर रेड वाले तक जाएंगे ये कितना वाइड है 10.5, कितना है 10. अच्छा बताओ कि गोल्ड वाले का रेडियस कितना है 10.5, और अगर तुम सॉरी ये गोल्ड वाले का रेडियस क्या है 10. इसका डायमीटर कितना दे रखा है 21 दे रखा है ना, रेडियस क्या आएगा 21/10 मतलब 10. किसका गोल्ड वाले का। जब हमको रेड वाला निकालना है तो इसका रेडियस कितना 10.5, किसका है गोल्ड का प्लस 10.5 21, किसका आएगा रेड वाले का। जब हमको ब्लू वाले का रेडियस निकालना है तो ये भी कितना है 10.5, तो 10.5 कितना हो गया 31.5। आई बात सुन, आप पहले बोले कि पहले तुमको गोल्ड वाले का निकालना है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आर जी, इसका मतलब क्या रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड वाले की रेडियस कितनी है 10.5। आई बात सुन, इसके बाद में क्या लिखेंगे अपन आर आर, रेडियस इसकी रेड वाले, रेड वाले की रेडियस कितनी आएगी 21 सेंटीमीटर। फिर क्या आएगा आर बी, बी टू कर दो, बी क्यू मतलब क्या आएगा ब्लू। देखो 10.5 ये, तो 10.5 ये 10.5, तो ब्लू वाले की रेडियस कितनी आएगी 31.5, ठीक है। फिर रेडियस किसकी ब्लैक वाले की, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कितना था 31.5, 10.5 और ऐड हो गया कितना हो गया 42। इसी तरीके से अपन किसकी निकालेंगे रेडियस व्हाइट वाले की, क्या है ये 52.5। पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, मैंने सिर्फ सबकी रेडियस लिखी है। पहले गोल्ड वाले की रेडियस, गोल्ड वाले में हमको क्या दे रखा था डायमीटर, डायमीटर कितना था 21, डायमीटर का हाफ करेंगे आ जाएगा रेडियस, तो गोल्ड वाले की रेडियस कितनी आ गई 10.5। अब बोले कि तुम अगर गोल्ड से रेड में आते हो तो इसके अंदर जो ये है डिफरेंस है, मतलब कितने मीटर चौड़ा है, कितने मीटर वाइड है, हर एक से दूसरे सर्कल में 10.5 मीटर वाइड है, तो इसके अंदर इसका रेडियस कितना 10.5। अब ऐसा नहीं बोला कि यहां से भी और यहां से भी, सिर्फ एक एक साइड का बोला, ये 10.5 है। अब अगर हमको पता है कि रेडियस का मतलब क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस है, तो अगर मेरे को रेड वाले की रेडियस चाहिए तो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की, अब ये गोल्ड तक की तो कितनी आ गई 10.5, और ये कितना वाइड है 10.5, कितना हो गया 21। आई बात सुन, फिर जब तुमको रेडियस निकाली ब्लू वाले की, तो सेंटर से लेके ब्लू वाले की सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस ये कितना 10.5, फिर ये 10.5, फिर ये 10. कितना हो गया 10.5। फिर जब निकालेंगे रेडियस किसकी ब्लैक वाले की, फिर निकालेंगे 10.5 और ऐड कर दियो, तो ये हमने सभी सर्कल की क्या निकाला है रेडियस। अब बोला है कि इन सब का एरिया बताना है,
पहले एरिया किसका बताना है? गोल्ड वाले का. किसका बताना है? तो अगर गोल्ड वाले का तो क्या लिखेंगे अपन? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. कौन सा लिखेंगे? गोल्ड रीजन. गोल्ड रीजन का, गोल्ड रीजन का एरिया. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. लेकिन आर कौन सा आएगा? गोल्ड. ये तो ऐसे में आर बहुत सारे, या तो तुमको नहीं लिखना तो आर वन आर टू आर थ्री ऐसा नाम दे सकते हैं. आगे बात सुन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन आर जी, रेडियस ऑफ रेड रीजन आर आर. आगे बात सुन, एरिया ऑफ, जब गोल्ड रीजन निकालना है तो क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. लेकिन रेडियस कौन सा लेना है? गोल्ड वाले का. ये पाई. आर की वैल्यू क्या है? 10.5 इसका स्क्वायर. अब अभी बताओ कि 10.5 का स्क्वायर क्या आएगा? अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि पॉइंट लगा है तो क्या आया? 105. अब आपने पक्का 25 तो आने ही आना है. 10 में प्लस किया 1, 11 10 से 100, तो स्क्वायर मतलब 2 पॉइंट के लिए क्या जाएगा? ये आ गया. तो कितना आ गया? 110.25. इसका मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? पाई से. पाई की वैल्यू उसमें कुछ दिए क्या? नहीं दिए. नहीं दिए तो अपने 3.14 या फिर 22.7 कुछ भी रख सकते हैं. तो इससे अपन किसका निकालेंगे? रेड वाले का. सॉरी, किसका? गोल्ड वाले का. अब किसका निकालना है? अब किसका निकालना है? रेड वाले का. हमें एक बात सुनो, रेड वाला तो सिर्फ इतना इतना सही है, तो हम सिर्फ इतना इतना कैसे निकालें? अंदर तो क्या है इसके? गोल्ड है. और रेड सिर्फ इतना है, इतना इतना सा. तो रेड वाले के लिए कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ, पहले क्या निकालेंगे? रेड. तो रेड में रेड भी आ गया और क्या आ गया? गोल्ड. रेड वाले में से किसको माइनस कर देंगे? इतना बच्चा रेड बचा जाएगा. आगे बात सुनिए, अगर जब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, तो इसके लिए एरिया कैसे निकलेगा? इसके लिए लिखोगे कि एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड रेड फिर माइनस क्या आएगा? एरिया ऑफ गोल्ड. या तो डायरेक्ट लगा देना फॉर्मूला कि एरिया ऑफ रेड के लिए क्या आ गया? एरिया ऑफ किसके लिए आई है? रेड. रेड का मतलब क्या? सेंटर से लेकर रेड तक का पूरा एरिया. ये पूरा एरिया क्या आ गया? ये रेड के. लेकिन रेड के अंदर क्या आ गया? गोल्ड. तो गोल्ड वाले को अपन क्या कर देंगे? माइनस क्या? माइनस पाई आर जी. ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो अपने को पता है ना, तो क्या कर देंगे इसमें से? माइनस. और नहीं तो पाई कर लेंगे आर आर स्क्वायर, आर आर स्क्वायर. इसमें से अपन माइनस कर देंगे क्या? आर जी स्क्वायर. आई बात समझ? तो किसका निकल जाएगा? रेड का. अब अच्छा एक बात बताओ, जब हमको निकालना है ब्लू वाले के लिए, किसका निकालना है? तो पहले तो सेंटर से लेके ब्लू तक का ये पूरा किसका आ जाएगा? ब्लू वाला. अब ब्लू वाले मतलब रेड भी आ गया और गोल्ड भी आ गया. इससे अच्छा क्या है? ब्लू वाले में से रेड वाले को क्या कर देंगे? माइनस. इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई आर बी यू स्क्वायर ब्लू वाले का माइनस पाई आर रेड. अब इसके अंदर अपना जो उसका आंसर है वो काम में नहीं आएगा. आएगा क्या? वो हर एक की निकालना पड़ेगा. फिर क्या करेंगे? पाई ले लेंगे कॉमन, दोनों रेडियस की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देंगे. आगे बात समझ में आ रही है? एक ही कॉन्सेप्ट. पहले वाले का तो डायरेक्ट निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से. जब रेड का निकालना है तो रेड वाले में से किसको माइनस कर देंगे? गोल्ड वाले. जब ब्लू का निकालना है तो ब्लू के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे? रेड वाले एरिया. तो बार बार यही फॉर्मूला यूज करना. इसको ट्राई कर सकते हो सभी घर से, इसको ट्राई करके लेके आते हैं. रेडियस पहले निकाल दिए, ये जो लिखा ना रेडियस यही सबको लगते जाना, इसलिए अपन ने रेडियस पहले निकाल दिया. हो सकता है कि मैं सिर्फ समझा. रेडियस 80 सेंटीमीटर, सॉरी द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ और आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर. मतलब एक कार क्या है? कार का जो पहिया है इसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर. एक कार है
उसका जो पहिया है उसका डायमीटर कितना है 18 सेंटीमीटर. अब बोला हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट. आप बताने कि 10 मिनट तक वो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक चक्कर लगाना. जैसे कोई पहिया है उसने एक चक्कर पूरा लगा दिया उसको क्या बोलते हैं, वन रिवॉल्यूशन. उसने पूछा हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. देखो सुनो, कार की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना चलती है 66 किलोमीटर. आई बस सुन, आप बोले कि बताओ 10 मिनट में ये जो पहिया है एक पहिया ये कितने चक्कर लगा लेगा. आई बस सुन, जैसे अपनी जो साइकिल होती है उसको अपन ने एक जहां पे अपन क्या बोलते हैं उसकी हवा वहां से स्टार्ट किया पूरा कंप्लीट राउंड लगा के फिर से मार दिया तो कितने चक्कर हो गए, एक चक्कर. अब बोले कि आपकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, ये आपकी स्पीड है, तो आपको पता नहीं कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, ये आपको निकालना है. जिसमें से आपको रेडियस, अच्छा एक बात बताओ, जो जमीन पे चलता है वो तो किसको कवर करता है, एक रिवॉल्यूशन में क्या पता चलता है उसका सरकमफेरेंस, क्या पता चलता है उसका एरिया आएगा क्या. एरिया का बात है जब पूरा ऐसा होता है तो क्या पहिया ऐसा रहता है क्या, किसको करेगा कवर. जैसे मैंने लगी ये अपना ग्राउंड है ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया फिर से वो कंप्लीट चल के फिर से यहीं आ गया, मतलब इसका एक एक पार्ट. तो एक कंप्लीट करने में क्या पता चलता है उसका सरकमफेरेंस कितना है. देखो सुनो, अपने को दिया है कि डायामीटर ऑफ कार व्हील, कार का जो व्हील है उसका डायामीटर कितना आएगा 18 सेंटीमीटर. अपने को काम किसका पड़ता है, रेडियस का, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ व्हील कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत है यहां तक पक्का. अब सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, व्हील का सरकमफेरेंस. क्या निकालेंगे, व्हील का अपन निकालेंगे सरकमफेरेंस ऑफ व्हील. व्हील का सरकमफेरेंस किसे निकालेंगे, 2πr. क्या निकालेंगे, 2πr. तो 2π की वैल्यू 22/7. आर कितना दिया है 40. ये दिया कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या. देखो जरा 20 पहली बात तो अपन ने निकाल लिया सेंटीमीटर, किसमें निकला ये आई बात सुन कि व्हील का सरकमफेरेंस कितना आएगा 1760/7. ये क्या निकले इसका सरकमफेरेंस. अब निकाल देखो सुनो, अब बोला है कि उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर. देखो सुनो, इसका मतलब जो अपना कार है वो 1 किलोमीटर. देखो सुनो, कार की 1 आवर में कितना वो चल सकता है 66 किलोमीटर. कितना चल सकता है 1 आवर में, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब 1 आवर में कितना चल सकता है 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट. क्योंकि अपने को तो 10 मिनट का बोला है ना, आवर से बोलते तो अपन किसके लिए निकालते आवर्स में, अपने को किसे बोला है मिनट में. 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट. 60 मिनट में कितना चलेगा 66 किलोमीटर. लेकिन सरकमफेरेंस जो अपने निकाला, जो अपने को रेडियस दिया था वो किसमें था और ये किसमें, तो पहले तो अपने को यूनिट सेव करना पड़ेगा. या तो इसको चेंज कर दो किलोमीटर में या इसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में. तो हम इसको चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर. हम जानते हैं कि पहले किलोमीटर को मीटर में अगर चेंज करने में मल्टीप्लाई आ रहा है, ये किसमें आ गया आंसर मीटर में, लेकिन नारे किसमें, तो 100 है ना, 1 मीटर इक्वल्स क्या होता है 100 सेंटीमीटर. यह आंसर किसमें आ गया, ये कितने मिनट का है 60 मिनट का. कि 60 मिनट में वो कितना चलेगा, ये 66 1 2 3 4 5 ठीक है.
आप अगर मुझे 1 मिनट का निकाले, कितने का निकालना है? 1 मिनट. तो ये 60 मल्टीप्लाई का यहां आके अपॉन में क्या आ गया? 60. 10 से 10 कितना आ गया? 1. तो 1 मिनट में कितना चलेगा? ठीक है, लेकिन निकालना कितने मिनट का है? 10 मिनट का. मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 होगा. तो 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये इसने करके 10 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगा. अब कभी भी हमको अब निकालना क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कि कितने चक्कर लगाएगा. ठीक है ना? तो देखो सुनो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला, कि कभी भी अगर निकालना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कितने चक्कर लगाएगा, सबसे पहले आएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में क्या आएगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, व्हील मतलब पहिया ना, यानी को डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील अपॉन में क्या आएगा? सरकमफेरेंस ऑफ व्हील. तो उसने डिस्टेंस कितना किया ट्रेवल? 11. 11. ये क्या आ गया अपना? डिस्टेंस. सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या है अपना? 1760 अपॉन में 7. कोई दिक्कत है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर तो ये ऊपर है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. अब इसको क्या करते हैं अपन? कैंसिल करते हैं. किससे जा सकते हैं? 11 से. 10 से 10 कैंसिल. अब किससे आ सकते हैं? 11 से. 11 मंजा 11. देखो 11 मंजा 11 सिक्सा ये आ गया. फिर इसको फिर ये क्या आया? अब ये 16 से 16 इसको करेंगे. देखो 16 मंजा 16 और फिर ये क्या आएगा? 16 के टेबल में 6 टाइम में क्या आएगा? 6 टाइम में क्या आएगा? ठीक है, कितना बचा? 4. तो क्या बन गया ये? 14. फिर 2 टाइम में क्या आएगा? 32. 32. 2 टाइम में क्या आएगा? 32. कितना बचेगा? 8. 5 टाइम में क्या आ गया? 14. 6 25 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ रहा है? 4 3 5 4 3 5. इतने रिवॉल्यूशन को लगा देगा, 10 मिनट में इतने चक्कर को लगा देगा. अगर अपनी स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर. आई बस देखो सुनो, पहले हम क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देंगे, लिखने पे ध्यान मत दो बेटा, पहले उसको समझ लो. हमको क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि एक कार का पहिया है जिसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर. तो हमने देखा कि सर ये कार का पहिया है, इसका डायमीटर का 80 सेंटीमीटर. आप बोल रहे हैं कि जो कार की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में कितना चल सकती है? 66 किलोमीटर. आप बोला कि बताओ 10 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा लिया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा लिया. तो इसके लिए पहले तो अपने को दो चीज चाहिए. सबसे पहले तो ये कि वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, ये आएगा. और ये चाहिए कि उसका सरकमफेरेंस कितना है. तो कभी भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना व्हील का, क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील अपॉन में क्या आएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. लेकिन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम. अगर डिस्टेंस मीटर में है तो सर्कमफेरेंस भी किसमें आना चाहिए? मीटर में. ये सेंटीमीटर में तो ये किसमें आना चाहिए? सेंटीमीटर में. ये किलोमीटर में तो ये किसमें आना चाहिए? किलोमीटर. तो सबसे पहले अपन ने निकाला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो अपनी रोड होती है उसके कॉन्टेक्ट में क्या आता है? व्हील का सर्कमफेरेंस. तो पहले अपन ने देखा कि व्हील का डायमीटर कितना? 80. रेडियस कितना आएगा? 40. सर्कमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर. पाई की वैल्यू 22/7. आर कितने रखा है? 40. तो ये सर्कमफेरेंस ऑफ क्या आ गया अपना? व्हील आ गया. ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या चाहिए अपने को? 10 मिनट में, क्योंकि कितने का बोला है? 10 मिनट में कितना चल सकता है. हमको क्वेश्चन में बोला है कि 66 किलोमीटर पर आवर क्या उसकी स्पीड, इसका मतलब वो 1 आवर में कितना चल सकता है? 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट. क्वेश्चन में क्या दिया है? मिनट. इसलिए अपन ने इसको चेंज किस में किया है? मिनट. 1 आवर इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट.
60 मिनट में हमने इस किलोमीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस इसमें आया था सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100। हमने निकाला कि 60 मिनट में वो इतने डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस चल सकता है। फिर निकाला 1 मिनट का, जब मल्टीप्लाई में यहां आके 1 मिनट का निकालेंगे ना, फिर अगर मान लो 15 मिनट का बोलता, 12 मिनट का बोलता, तो हम यहां मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 12 से। अगर 1 मिनट का आ गया मतलब वो क्वेश्चन में बोलता कि 12.5 मिनट, तो हम उसका भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। पहले किसका निकाला 1 मिनट का, इसके बाद में क्वेश्चन में क्या हो जाता है 10 मिनट, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई से कर दिया 10 से, तो 10 मिनट में वो कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस चल सकता है, तो सर्कमफेरेंस भी आ गया और क्या आ गया डिस्टेंस भी आ गया। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कितने चक्कर लगा उसका फार्मूला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील अपन में कहता सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था उसने, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील कहते हैं। अब जो डिनोमिनेटर केबिन डिनोमिनेटर में था उसके क्या होता है रेसिप्रोकल, ये जाके क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई, हमने उसको सॉल्व किया आंसर क्या आ गया 4375 रिवॉल्यूशन, इतने चक्कर लगा है कितने मिनट में 10 मिनट में। आधी बात सुन लीजिए, और तुमको जो टेस्ट में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर वैल्यू चेंज कर दूंगा मैं, क्वेश्चन में लिख दूंगा 12.5 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये तुमको घर से निकाल कर, क्वेश्चन सेम है सिर्फ 10 मिनट्स की जगह क्या लिखा मैंने 12.5 मिनट, 12.5 मिनट में कितने चक्कर लगा। आ रही बात सुन, ये तुमको घर से निकाल के लेके आना।